गुड मॉर्निंग गाइस, जय गुरुजी। आज नाश्ते में मैंने सुबह शिमला मिर्च आलू पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, पार्थ को नाश्ता देके भेजा। आज से उसके एग्ज़ाम्स शुरू हैं, जय गुरुजी। और ये मम्मी पापा को देनी है अभी रोटी बना के। आपकी जीजू और मैं आज खाएंगे डोसा। ये MTR का डोसा मिक्स फिर से ले आई हूँ मैं, कभी भी मुझसे नहीं बनता अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे तो। ये मैंने सुबह सुबह चटनी बनाई है, टमाटर लहसुन हरी मिर्च और नारियल डालकर और धनिया। तो चटनी हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम डोसा मिक्स की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे डोसे बनाऊंगी ताकि बन जाएँ, नहीं तो मेरा हमेशा चिपक जाता है, बनता ही नहीं है। गाइस ट्राई कर रहा है मैंने ये छोटा सा डोसा, जैसे चिल्ले बनाती हूँ ना ऐसे ही, कम से कम बन तो जाएगा ना, नहीं तो बनता ही नहीं है इसको। ओ यस, पलट के देखूँ, चलो कुछ तो बन गया चीला टाइप। अभी इसके अंदर मैं ये थोड़ी सी सब्ज़ी जो बची है ना इसके वो मैश कर लिया मैंने, इसकी स्टफिंग कर देती हूँ, खाने में तो स्वाद आ ही जाएगा। बस इसको पलटा, छोटे छोटे डोसे, डोसे के बच्चे, डोसियाँ। चलो जी, पहली डोसी तैयार है जाने के लिए अपने मलिक के पास। लेट्स सी कि इन्हें कैसा लगता है। फर्स्ट बेबी ऑफ डोसा। गुड मॉर्निंग जीजू। देखो मेरे आशीर्वाद से, हाँ, और तुम्हारी मेहनत से सफल हुआ। ये देखो डोसे में पनीर खा के देखो। धन्यवाद, जय गुरुजी। गाइस सेकंड डोसी देखते हैं, हाउ इज इट? बहुत बढ़िया बना है सही में। हाँ। जय गुरुजी, टेस्टी लग रहा है। डोसा नहीं लग रहा पर टेस्टी लग रहा है, जो भी लग रहा है। डोसे का टेस्ट नहीं है पर बैटर तो रेडीमेड है डोसे वाला ही। हाँ, लेकिन इसमें ना ये पनीर और ये चटनी और ये सब मिला के बहुत टेस्टी लग रहा है। चलो हेलो गाइस, आई एम सॉरी मैंने सुबह व्लॉग शुरू किया ब्रेकफास्ट के बाद, फिर मैं भूल गई क्योंकि आज मेरा शूट डे था और मैं उसमें लग गई, मुझे ध्यान नहीं रहा। आज मेरा एक ASMR वीडियो शूट डे था, नूडल्स एंड केक वाला, बड़ा ही यम्मी था, मज़ा आ गया, थैंक यू गुरुजी। उसके बाद मैंने कुछ रील्स बनाने थे अपने गुरुजी के साथ, अभी मैं वही बना रही थी तो मुझे ध्यान आया, ओ मैंने तो व्लॉग का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया दिन में। तो गाइस दोपहर को मैंने बनाई थी रोंगी, खाना वाना खिला दिया, पार्थ का फर्स्ट एग्ज़ाम था वो देकर वापस आ गया, उसके पापा ले आए उसको, एंड टचवुड गुरुजी की कृपा से उसका एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ। तो बस उन्हें खाना खिला के फिर मैं इधर आ गई थी रील्स बनाने। अभी 2:30 बजे हैं तो मुझे ध्यान आया कि मैंने व्लॉगिंग नहीं करी है, तो चलो यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं व्लॉग को। बस अब मैं अपनी रिंग लाइट ऑफ़ कर रही हूँ, ये सारे ईयरिंग्स वगैरह अंदर रखूँगी और अब मैं थोड़ा रिलैक्स करने जा रही हूँ क्योंकि सुबह से लगातार लगी हुई हूँ। जीजू yes, कुछ कह रहे थे आप। इसका अनौपचारिक पत्र लिखना है, नवी कक्षा में अनुत्तीर्ण अपने मित्र को सांत्वना पत्र लिखिए। कंसोलेशन, मैंने कहा उसको एक जोक सुना दियो इस पे। जोक सुना दियो पत्र में। पत्र में दो लड़के ना 10th में फेल हो जाते हैं, मरने के लिए ना ब्रिज पे चढ़ जाते हैं ऊपर, हे भगवान, सुसाइड करने के लिए। तो एक दूसरे से बोलता है, कह रहा यार मर के तो दोबारा पैदा होना पड़ेगा। कह रहा हाँ। कह रहा फिर बचपन से दोबारा से ABC सीखनी पड़ेगी। कह रहा हाँ। कह रहा फिर मरने का प्रोग्राम कैंसिल। सही बात है। कह रहा नर्सरी से लेके 9th तक दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 10th दोबारा कर ले। बेवकूफ, मर जाएगा अगर तो दोबारा पैदा होना पड़ेगा, फिर से पढ़ेगा 10th तक। तब तू ये लिखेगा लेटर की बॉडी में, हे भगवान। लेटर के लिए मैंने इसको बोला, एक आइडिया दिया इसको। मैम तेरी हंस हंस के लोड पोड हो रही पेपर से। अरे लेटर में इसको आइडिया दिया मैंने, उसके अपने क्या अपने मित्र के पिता की फैक्ट्री में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है, मित्र को संवेदना पत्र लिखिए। मैंने कहा लेटर में लिखियो तुम्हारी फैक्ट्री जल गई, अब तुम भी कंगले हम भी कंगे कंगले। फिर ब्रैकेट में मजाक 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 बात कहता है, मैडम भी नीचे लिखेगी 6, उसके बाद काट के लिखेगी मजाक 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 अंडा अंडा। सही है, हार गया। तो आइडिया दे रहा हूं भाई साहब, संवेदना लोग मारे हंस के लेट जाएंगे। तुम्हारे पेपर में मैम क्या देती थी तुम्हें? अब देख, अब देख बापू क्या बोलेगा। मेरे पेपर में मैं लिख के आता था, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। अरे दो तुम। नीचे नीचे टीचर लिखता था, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है, अंडा। गाइस हालत देखो,
आज आज तो मतलब सदियों में, सदियां तो नहीं हुए इसी पैदा हुए हुए, जितना भी टाइम हुआ है उतनी लाइफ टाइम में पहली बार अपने आप बोल के दोपहर को सोया है, क्योंकि पढ़ रहा था ना, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, नींद आ गई। कभी नहीं सोता दोपहर को, बोला इसने कि मेरे को नींद आ रही है, मुझे सोना है, एक घंटा सोया भी, इसके साथ मैं भी सो गई और मेरी क्लास भी मिस हो गई, योगा क्लास, ऐसे मेकअप के साथ ही सो गई मैं तो, बड़ी दोपहर को मस्त नींद आती, खाना खाया हुआ ऐसे ऐसे। मेकअप के साथ नहीं सोना चाहिए लड़के को, ये सुनाया हुआ है तुमने, एज कम हो जाती है, एज कम हो जाती है, यमराज ऊपर से दिखाता है ये वाली मेकअप के साथ ही सो गई तो वैसे ही ले जाएगा उठा के, धोखे सोए करो वो कंफ्यूज रहता आगे। चिंता नहीं करो तुम, अभी मेरा टाइम नहीं आया है। यमराज नीचे के बाद कंफ्यूज रहता है, ये लड़की ऊपर तो देखी थी वो तो है ही नहीं। इसलिए वो लड़कियों की एज लंबी हो जाती है ना। हाँ गाइस, मैं तो मेकअप के साथ ही सो गई, मुझे तो पहचान लेता यमराज आता तो। गुरु जी ने बता लिया, यमराज आ जाता और बैल गुम हो गई थी, बैल भैंस, भैंस भैंसे पे आते ना यमराज। भैंसे पे आते हैं, ये साउंड होता है, भैंसा होता है यमराज का, यू डोंट नो दैट, नो, बंदा गधे पे भी आता है, पता कौन है, तुम, रावण, रावण गधे पे आता है, गधे का मुंह लगाया होता है उसके मुकुट के ऊपर, देखना कभी भी, रावण का जो मुकुट होता है ना उसको गधे का मुंह बनाते हैं ऊपर, उसके नीचे उसका मुकुट बनाते हैं, बिकॉज़ ही डिड दैट रॉन्ग थिंग यू नो। मैंने देखा तो नहीं है भैया, आप लोगों ने देखा है ऐसा? तुमने कभी दशहरा नहीं बनाया वो फोटो में ड्राइंग? हाँ बनाइए, रावण के 10 सर बनाते हैं, उसके ऊपर उसका मुकुट नहीं बनाते थे? नहीं भाई, ये तुम्हारी कलाकारी है, गधे का मुंह पहले कहीं नहीं सुना, देखा मजाक कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मजाक कर रहे हो तुम, इट्स अ ट्रूथ यू नो। चलो तुम भागो यहाँ से, जब तुम इतना सीरियस हो के बोलते हो तब तो मतलब है निहायत ही मजाक कर रहे हैं। आप इंटरनेट पे चेक कर लें गाइस, चेक करो इंटरनेट पे, बताना रावण के मुकुट पे गधा बना होता है क्या? गधे का मुंह होता है, गधे का मुंह होता है क्या? मैंने नहीं देखा कभी, 10-10 गधे वैसे ही लगे होते हैं उसके सर में, कहाँ दिखना और गधा। एक पहले बड़ी मस्त एड बनाते थे रावण को लेके ना, सेरिडॉन रावण का सरदर्द हो रहा होता है। रुको, रावण का सरदर्द हो रहा होता है तो उसके सारे सर में दर्द हो रहा होता है, 10 के 10 सरों में। तो वो कहते हैं कि सर दर्द का इलाज, कह रहा है एक सेरिडॉन, कह रहा है 10 के लिए, कह रहा है एक सेरिडॉन ही काफी है। दसों सर का सिर दर्द थी। पहले एड बड़ी मस्त बनती थी, नहीं पुरानी पुरानी एड देखो ना, 90s 80s वाली, मजा आ जाता है। एड अभी भी मस्त बनती है, पता तुम्हें इंडिया की एडवर्टीजमेंट जो है ना वो वर्ल्ड की नंबर 2 एडवर्टीजमेंट है, पता। अब तो लोग ऐड देखते ही नहीं, स्किप कर देते हैं। वो नहीं दिखाइयो पार, तेज ने खोल लिया कुछ इंटरनेट पे। गधा तो नहीं है, तो कोई राक्षस ही बना हुआ है। गधा नहीं मोहित, वो ड्रैगन राक्षस टाइप कुछ बना हुआ है। नहीं, ड्रैगन नहीं थे, होते हैं वो चाइनीज के बनते हैं ड्रैगन। हाँ गधा ही बना हुआ, नहीं देख लो, गधा है, देख लो, तो किसी गधे ने बनाया होगा ना। अरे असली रामायण की फोटो है वो। डिनर कर लिया है सबने, मैंने डिनर में बनाई थी तोरी आलू की सब्जी, सबको खाना खिला दिया, और मैंने डिनर नहीं किया बिकॉज मैंने आज ASMR शूट किया था तो मुझे भूख ही नहीं लग रही है, मैंने फ्रूट भी नहीं खाया, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, विल कीप इट अ लिटल लाइट क्योंकि आज ना नूडल्स वगैरह खाए हैं तो ऐसे भी मैदा हैवी तो हो ही जाता है। अभी मैं आई हूँ वॉशरूम में फेस क्लीन करने, मेकअप हटाने, नहीं तो मुझे पता है कई बार मेरे से गड़बड़ हो जाती है, मैं सो जाती हूँ ना ऐसी, फिर आओ अगले दिन बहुत रिग्रेट होता है कि क्या है फेस क्यों नहीं वॉश किया, जब कोई पिंपल निकल आता ना तब रोती हूँ। ये देखो आप हाल देख रहे हो वॉशरूम का, आज इतने सारे कपड़े धुले हैं कि बाहर पूरे ही नहीं आ रहे थे, तो मैंने ना यहाँ अंदर भी इस वॉशरूम में 2 लगा रखी हैं रस्सियाँ, जब ज़्यादा हो जाता है तो मैं उसको मेड को बोलती हूँ कि यहाँ पर डाल जा, और फैन चला देती हूँ वॉशरूम का। तो आज काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, और ये वाला वॉशरूम वैसे भी कोई यूज़ नहीं करता है, मतलब यूट्यूब रूम में, पार्क वाले रूम में नहाने वगैरह के लिए तो है नहीं, सिर्फ कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ होता है, और इसका टॉयलेट यूज़ हो जाता है। जब मैं शूट करती हूँ तो मैं अपना स्किन केयर वगैरह कुछ शूट कर लेती हूँ यहाँ पर, अदरवाइज़ नहाने वहाने वाला चक्कर है नहीं, तो इसलिए यहाँ रस्सियाँ आराम से लगी रहती हैं। तो अभी मैं फ़ेस वॉश कर रही हूँ, और मैंने ना अपने वॉशरूम में हैंडी रखे होते हैं इस तरह के फ़ेस वॉश, जिसमें आगे ये ब्रश हो, एक मामा अर्थ का था वो मैं यूज़ करती थी, और एक मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा सेकंड बॉटल है सैटन बाय GHC,
मैंने आई थिंक इसका रिव्यू भी अपने प्रियाज ब्यूटी जोन पे डाला हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो फेस पूरा अच्छे से क्लीन होता है इस ब्रश की वजह से, जो ब्रिस्टल्स इसके इतने सॉफ्ट हैं, और ऊपर से ये है भी काफ़ी अच्छा। इसके अंदर एलोवेरा, टी ट्री ऑयल और क्या है, ऑरेंज पील, लेमन एक्सट्रैक्ट और रोज़ ऑयल है। तो मैं फेस वॉश कर रही हूँ और फिर सोएंगे। और हाँ, कल गाइस मेरी दादी सास का श्राद्ध है, ससुर जी मोहित के जो दादाजी हैं उनका श्राद्ध तो किया था, अभी मैंने 4 दिन पहले आपको दिखाया भी था। तो कल है दादी सास का श्राद्ध, तो सुबह मैं बनाने वाली हूँ उनको पूड़ी, आलू हलवा, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद थी, तो कल मैंने वही मेन्यू रखा है श्राद्ध के लिए। प्रसाद जो बनाऊँगी मैं, खूब सारा आलू का झोल और सूजी का हलवा और पूड़ियाँ बनाऊँगी। मैंने मेड को बोल दिया है कि थोड़ा जल्दी आना, पूड़ियाँ उसके साथ मिलकर ही बनाऊँगी, क्योंकि तकरीबन 100 पूड़ियाँ बनानी होती है, तो मुझसे अकेले तो मेरा हाल आपको पता है टाइट हो जाता है। अभी होएगा कल भी, क्योंकि मैं पूरा टाइम लगातार खड़ी रहूँगी किचन में, तो मेरी हील मुझे प्रॉब्लम तो देगी, बट दैट्स ओके, जो करना है वो तो करना ही है। ऐसी चीज़ें करने में मतलब हील की प्रॉब्लम बाद में याद आती है, बट करते टाइम बड़ा सुकून मिलता है मुझे। जब भी मैं प्रसाद बनाती हूँ या कोई फेस्टिवल या कुछ चीज़ हम घर में करते हैं भगवान का नाम लेने के लिए सेलिब्रेट, तो बहुत सुकून मिलता है वो सब करने में, सच में। ठीक है, तो कल के लिए मैंने बहुत सारा टमाटर वगैरह ब्लेंड करवा लिया है। आलू मोहित को बोला था ले आना, क्योंकि ख़त्म हो रहे थे, तो खूब सारे आलू सुबह उठ के मैं बॉयल करूँगी। पूड़ी का आटा वो सुबह फ्रेश गूंदेगी, मैं बेलूँगी और वो तल देगी उसमें अपनी मशीन में। चलो बहुत बातें हो गई, बाकी की बातें कल के व्लॉग में देख लेना। अब फेस वॉश कर लेती हूँ मैं। ये देखो बहुत ईजी है इससे करना ना, इसको थोड़ा सा शेक 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 किया। एक हाथ में कैमरा है, यहाँ पे मैंने कोई वो भी नहीं लगा रखा ना, ट्राईपॉड वगैरह। बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, माइल्ड सी स्क्रबिंग भी हो जाती है। अरे टैप ओपन रह गया। ये देखो ये जो सारा काजल लाइनर है ना, उसको इतने अच्छे से साफ करता है मस्कारा वगैरह, और इसके ब्रिसल्स इतने सॉफ्ट हैं कि बिल्कुल भी आपको हार्श नहीं लगता। कई बार तो ना मैं सोचती हूँ कि ये ख़त्म हो जाएगा ना, और अगर मैंने ये और नहीं मंगाया तो अपना फेवरेट फेस वॉश खोल के इसके अंदर भर लूँगी मैं क्योंकि ये ब्रिसल्स ज़्यादा काम की चीज़ है। पहले आधा मुँह धो लिया है मैंने, ऐसे ही करती हूँ मैं बहुत बार। अब इस साइड का हाफ फेस धो लेते शेक 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 शेक। बहुत ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं होता, इतनी सी आप निकालो ना फोम, बस बहुत हो जाती है। ऐसे नोज के आसपास पूरा सर्कुलर मोशन में, और आईज भी बहुत डेलिकेटली करता है क्लीन। ऐसा बस पानी से करोगे क्लीन, वॉश करते हैं। ये लिप वो है मेरा कलर ना L'Oreal का, ये इजीली हटता नहीं है, इसको हल्का सा मैं वैसलीन या ऑयल से हटाऊंगी तो हटेगा, बाकी तो फेस क्लीन हो गया। चलो गाइस अब हाथ गीले हैं मेरे, कैमरा भी पकड़ा नहीं जा रहा है। गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखो। उप्स अंडरवेयर टंगे हुए इधर तो अपना ख्याल रखो। अरे क्या है, इधर आके अपना ख्याल रखो। जय गुरु जी, लव यू, बाय।